हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी पर। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक सीरीज आपको देने की बात की थी। तो इसमें पहले वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी लोगों ने इस पर बहुत कमेंट किया हुआ है कि आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए जल्दी से। तो सेकंड पार्ट लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशियोलॉजी से नए पैटर्न पर क्या हो सकते हैं उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको बहुत कुछ इसमें से जानने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम नेशन में आने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने शेरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खेम ने किस शब्द का प्रयोग किया था। 50 क्वेश्चन तक हो चुके हैं आज के, हमारी ये क्लास में 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खेम ने कौन से वर्ड का, कौन से शब्द का यूज किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर वन है आपका बाह्यता, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेकंड नंबर बाध्यता, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपर्युक्त दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, सभी लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम महोदय ने कौन से वर्ड का यूज किया था। क्या आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर वन है बाह्यता, दूसरा है बाध्यता, तीसरा है दोनों, या चौथा कोई नहीं। तो क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो इस क्वेश्चन का दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है क्या, उपर्युक्त दोनों। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं। दुर्खीम ने अपना जो सिद्धांत दिया हुआ है कि समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का आकार, दूसरा है आपका भौतिक घनत्व, सी ऑप्शन है आपका नैतिक घनत्व, या डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से आपका क्या राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। दुर्खीम ने अपने जो सिद्धांत दिया हुआ है समाज में विभाजन, श्रम विभाजन, उसके क्या क्या कारक बताए हैं। क्या वो जनसंख्या के आकार को भी कारक बताते हैं, भौतिक घनत्व को कारक बताते हैं, या नैतिक घनत्व को कारक बताते हैं, या सभी को कारक उन्होंने बताया हुआ है। जल्दी से कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत श्रम में विभाजन के कारक क्या बताए हैं। जल्दी से कमेंट करो, फास्ट फास्ट आप सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक क्या बताए हैं। सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है क्या, उपर्युक्त सभी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दुर्खीम ने जो समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया तो उन्होंने उनके अनुसार श्रम विभाजन जो हुआ इस प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है विशेषीकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर सी है आपका गतिशील धारणता, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखो आप कमेंट करते हो, कमेंट के पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपको देखना होगा जब आप कमेंट करते हो या किसी चीज़ को आप राइट डाउन करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक टिकी रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटली आप कमेंट कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो और उससे जब आप देखते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर मैं बताता हूँ आपको कुछ टाइम के बाद, तो आंसर से आप मैच करते हो, अगर आपका मैच हो जाता है तो यू फील लाइक वेरी प्राउड कि आपका ठीक हो गया, आपने करेक्ट आंसर दे दिया, तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है और आप अपने कॉन्फिडेंस एक बार अच्छा हो गया तो फिर चीज़ों को आप आंसर देते जाओगे। और अगर आपका गलत होता है तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। फिर अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी एग्जाम में मिलता है तो आप देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका मैंने ये आंसर दिया हुआ था बट रॉन्ग हो गया था मेरा और करेक्ट आंसर ये है। तो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं, इसलिए आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ 53 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कर रहे हो आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना 53 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन कि धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है।
धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है दुर्खीम, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रेजर, ऑप्शन नंबर सी है टाइलर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मैक्स वेबर। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपका? धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करो। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, दुर्खीम, फ्रेजर, टाइलर और मैक्स वेबर। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्या? दुर्खीम। दुर्खीम ने धर्म को पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन कि दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया हुआ था, तो अभी पूछा गया कौन से पुस्तक में दिया हुआ था सामाजिक एकता का सिद्धांत। दुर्खीम ने ये पुस्तकें लिखी हुई हैं जो आपके सामने दिख रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, या दूसरा ऑप्शन है आपका समाज में श्रम विभाजन, या सी ऑप्शन है आपका व्यवहार और समाजशास्त्र, या डी ऑप्शन है किसी में नहीं। तो इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया हुआ है? कमेंट करो सभी लोग। आई एम वांट ऑल ऑफ यू टू डू कमेंट। आप सभी लोग कमेंट करो जिससे कि पता चल सके कि हाँ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी अभी नए आ रहे हैं वो लोग जाकर के सबसे पहले लाइक कर दो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो यहाँ पर आपको बीए से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, आप जाकर के एक बार चैनल विजिट करके देखो। बीए से रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पर 1150 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। समझ पा रहे हो कितनी भारी मात्रा में कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं? तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका? दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है क्या? समाज में श्रम विभाजन। आगे क्वेश्चन पर बढ़े। अगले क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आने वाला विचारक है? आपके ऑप्शंस हैं बोर्डिन, बी ऑप्शन है आपका मॉन्टेस्क्यू, सी ऑप्शन है वकल एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो समाजशास्त्र को समझने के लिए कई सारे संप्रदाय बनाए गए। व्यवहारिक संप्रदाय हो गया, सांस्कृतिक संप्रदाय थे, भौगोलिक संप्रदाय थे। तो समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आने वाला विचारक कौन सा था? इनमें से आपके ऑप्शन है बोर्डिन, मॉन्टेस्क्यू, बकल और उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताओ 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्या? उपर्युक्त सभी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रुहनेस किस पुस्तक में भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया है? ब्रुहनेस ने भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट करते हुए एक बुक लिखा हुआ था, तो ब्रुहनेस ने कौन से बुक में भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ह्यूमन जियोग्राफी, बी ऑप्शन है आपका सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सी ऑप्शन है आपका कंटेम्परेरी साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रुहनेस ने कौन सी पुस्तक में भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया है? जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57? जल्दी से कमेंट करो कि ब्रुहनेस की कौन सी पुस्तक में उसने भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया हुआ है। जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त कि ब्रुहनेस ने किस पुस्तक में भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है क्या? ह्यूमन जियोग्राफी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया है? दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन जो है उसको अगर स्पष्ट करना है तो किसे आधार बनाया गया है? आपके ऑप्शन है सामाजिक एकता, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक उद्विकास एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर? दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए आधार बनाया है किस चीज को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। 58 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर।
बताओ बताओ। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी जो हैं ये दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए आधार है, चाहे वो सामाजिक एकता हो, समाज में श्रम विभाजन हो, सामाजिक उद्विकास हो, ये सभी ही सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के आधार हैं। आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 59 नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ये किसकी कृति है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी ये किसकी कृति है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी है आपका गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है आपका मैकडूगल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 59 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के राइटर कौन है? हु हैज रिटन डाउन द एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, किसने इस पुस्तक को लिखा हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, फ्रायड, किन्सबर्ग, मैकडूगल या सभी। जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। अब कमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और हर वीडियो में मैं लगभग किसी चीज आपसे बात करता ही हूँ। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्या? मैकडूगल। मैकडूगल ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक कृति लिखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का क्या प्रकार है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका अहमवादी आत्महत्या, बी ऑप्शन है आपका परार्थवादी आत्महत्या, सी ऑप्शन है आपका विसंगति या अस्वाभाविक आत्महत्या एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के क्या टाइप्स हैं? चारों ऑप्शंस में से आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है, क्या है दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार? जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए, आई एम वेटिंग योर कमेंट्स फॉर। ओके तो इसका जो आपका राइट आंसर है 60 नंबर क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इफ यू डोंट नो द राइट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन एंड यू हैव द ऑप्शन फॉर ऑल द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी, ये अगर आ जा रहा है तो आप आंख मूंद करके उस पर लगा सकते हो, 99% आपका वही सही रहता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी अगर है तो वो आपका करेक्ट रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 61 नंबर का क्वेश्चन कि मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय जो है समाज को समझने का, उसके समर्थक मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है मैकडूगल, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है आपका एडलर एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यूज द ट्रिक, सो मैंने बताया ट्रिक, यूज करो उसका। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के समर्थक मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मैकडूगल, फ्रायड, एडलर, उपर्युक्त सभी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा 61 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं कौन? मैकडूगल, फ्रायड, एडलर या उपर्युक्त सभी? जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। तो अगर आपने ट्रिक का यूज किया होगा तो आपको पता ही है उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 62 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? किसने जनसंख्या घनत्व जो है उसको श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी है आपका दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडलर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपका 62 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ 62 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से जुड़ा हुआ किसने बताया है? स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, एडलर ने या सभी ने? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए 62 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो दोस्त 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? दुर्खीम। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, इसके लेखक है, ये एक बुक का नाम है सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, इसके लेखक कौन है?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी है दुर्कीम, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्क्स। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 63 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, इसके लेखक कौन है? मैक्स वेबर, दुर्कीम, स्पेंसर या मार्क्स? इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्त। 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, इसके लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दुर्कीम, दुर्कीम इसके राइटर है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन? देखो आपके सामने ये रहा कि फ्रायड ने मानव मन को विभाजित किया है। फ्रायड ने मानव मन को किस रूप में विभाजित किया है? आपके ऑप्शन है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन या सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर 64 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 64 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रायड ने मानव मन को विभाजित किया है कितने भागों में? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन या सभी। क्या होगा आपका इन चारों में से राइट आंसर, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? फ्रायड ने मन को कितने भागों में बांटा है, कौन कौन से भागों में बांटा है, जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 65 नंबर का क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्क्स। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65? जल्दी से कमेंट करो। मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर और मार्क्स। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ 65 नंबर क्वेश्चन के लिए। भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंधित नहीं है कौन सा? आपके सामने चार ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर और मार्क्स। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। ओके तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर है आपका 65 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स आपका राइट आंसर है। मार्क्स जो है वो भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंधित नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 66 नंबर का क्वेश्चन? कि कौन प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता होने के बावजूद सबसे कम प्रत्यक्षवादी है? समझ पा रहे हो इस वर्ड को? प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता फादर वही है लेकिन उसके बावजूद भी वो सबसे कम प्रत्यक्षवादी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त कांटे एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्क्स। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ 66 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट आपके सामने आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66? कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता होने के बावजूद सबसे कम प्रत्यक्षवादी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66? तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है अगस्त कांटे। अगस्त कांटे प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है? किसने जलवायु को किसी भी सभ्यता से संबंधित माना है कि जिस भी सभ्यता में हम रह रहे हैं उस पर जलवायु का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका हटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रुनहेस एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67? जलवायु को सभ्यता से संबंधित किसने माना है? कमेंट फास्ट सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जो लोग भी अभी नए जुड़े हुए हैं सबसे पहले आप लोग जाकर के वीडियो को लाइक कर दो यार, कम से कम लाइव चलते समय 100 लाइक्स तो कंप्लीट कर दिया करो आप लोग। 67 नंबर क्वेश्चन का बताओ राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? फास्ट इसका जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्या है? हटिंगटन।
जलवायु को सभ्यता से संबंधित मानते हैं हंटिंगटन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन कि द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द सिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन है मैक्स मैकाइबर, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, द सिटी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। मैकाइबर नाम है, सोरोकिन है, मैक्स वेबर है या कोई नहीं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। द सिटी पुस्तक के राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द सिटी, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर है क्या, मैकाइबर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 69 नंबर का क्वेश्चन कि आदर्श संस्कृति की अवधारणा किसकी है। आदर्श संस्कृति हो ऐसी अवधारणा किसकी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैकाइबर, बी ऑप्शन है आपका सोरोकिन, सी ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आदर्श संस्कृति की अवधारणा किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आदर्श संस्कृति की अवधारणा किसकी है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका मैकाइबर है राइट आंसर, या बी ऑप्शन सोरोकिन राइट है, या सी मैक्स वेबर राइट है, या कोई नहीं है इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना आपका कि आदर्श संस्कृति की अवधारणा किससे संबंधित है, तो आदर्श संस्कृति की अवधारणा संबंधित है सोरोकिन से, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है प्रकार्य, आकार्य, नकार्य, प्रकट प्रकार्य, परोच्च प्रकार्य, ये सब अवधारणा किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है कोठन, ऑप्शन नंबर सी है पार्सन्स, या डी है इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रकार्य, आकार्य, नकार्य, प्रकट प्रकार्य और परोच्च प्रकार्य। तो प्रकार्यों की ये जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है, मर्टन, कोठन, पार्सन्स या कोई नहीं। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। दोस्त कर रहे हो आप लोग कमेंट, जल्दी से करो, सभी लोग करो, सभी लोग करो, जो लोग भी अभी नहीं कर रहे हो कमेंट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू कमेंट वो चीज़ आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती है, तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्या, मर्टन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्य, ऑप्शन नंबर बी है आपकी जनजाति, ऑप्शन नंबर सी है आपका परिवार एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर 71 नंबर क्वेश्चन के लिए, कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है, राज्य, जनजाति, परिवार या कोई नहीं। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है, जल्दी से कमेंट करो। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, राज्य, जनजाति, परिवार या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है क्या, जनजाति। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, इस पुस्तक के राइटर कौन है। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, इस पुस्तक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ए सी दुबे, बी ऑप्शन है आपका डी एन मजूमदार, सी ऑप्शन है आपका रेडक्लिफ ब्राउन एंड डी ऑप्शन है आपका मेलिनोवस्की। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 72 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, इस पुस्तक के राइटर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, ए सी दुबे, डी एन मजूमदार, रेडक्लिफ ब्राउन या मेलिनोवस्की। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से कमेंट करो।
कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं दोस्त। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना 72 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मेलिनोवस्की ने लिखा था द क्राइम एंड कस्टम इन सीवेज सोसाइटी। इस पुस्तक के राइटर कौन है दोस्त? मेलिनोवस्की। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का परिणाम है? किसने कहा कि जो आत्महत्या होती है वो समाज का नकारात्मक दबाव का परिणाम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेरेटो, ऑप्शन नंबर बी है आपका दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी है आपका किम्बालियंग एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मेलिनोवस्की। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का परिणाम है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, पेरेटो, दुर्खीम, किम्बालियंग, मेलिनोवस्की। What will be your right answer for question number 73? जल्दी से कमेंट करके बताओ 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का परिणाम है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या? दुर्खीम। तो देखो, आत्महत्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है और अगर आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में दुर्खीम का नाम दिखाई दे रहा है तो आप आंख मूंद करके लगा सकते हो, क्योंकि आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया हुआ था। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया होता तो आत्महत्या से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप दुर्खीम को बेझिझक लगा सकते हो उसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अध्यात्मवाद तथा परलौकिकता, बी ऑप्शन है भौतिकता, सी ऑप्शन है अलौकिकता या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकता, बी ऑप्शन है भौतिकता, सी ऑप्शन है अलौकिकता या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74? जल्दी से कमेंट करो, सभी लोगों कमेंट्स आने चाहिए कि 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। 74 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन ने आध्यात्मिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या बताया हुआ है? सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट्स करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना 74 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्या? अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकता। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर का क्वेश्चन कि दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता है। दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सामयवी एकता, बी ऑप्शन है यांत्रिक एकता, सी ऑप्शन है उच्च एकता एंड डी ऑप्शन है आपका निम्न एकता। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा 75 नंबर क्वेश्चन के लिए? दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए दोस्त कि 75 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या है? दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता है, क्या है समानता के आधार पर एकता? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सामयवी एकता या यांत्रिक एकता या फिर आपकी उच्च एकता या निम्न एकता, इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? यांत्रिक एकता। तो दुर्खीम के अनुसार क्या है? समानता के आधार पर एकता क्या है आपका? यांत्रिक एकता है। दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? यांत्रिक एकता है। आपके सामने ये दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको हटा देते हैं। तो यांत्रिक एकता क्या है? दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? यांत्रिक एकता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग तक ये चीज़ें पहुँच सके और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। ओके, अगर आप बीए में हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। एक बार जाकर के चैनल पर विजिट जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बट विजिट एक बार जरूर करना। आप बीए में हैं, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आप जाकर के चैनल पर विजिट करो, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा सीरीज वाइज अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
तो जाना जरूर, एक बार विजिट जरूर करना। और आपको और किन किन सब्जेक्ट्स का और कौन से सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना सभी लोग कि इस सब्जेक्ट का भी हमको टॉप 25 या टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चंस चाहिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प हो सके। अगर कोई अदर सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।